हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है बहुत खास। दिल्ली से आए हैं मेरे चाचू आज चंडीगढ़ में विजिट करने के लिए। आज मैं इनको चंडीगढ़ की थोड़ी सी विजिट कराऊंगी। ये चाट ले ली है, मैं इस गाड़ी में बैठ गए हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरे जगदीश चाचू जो दिल्ली से आए हैं स्पेशल चंडीगढ़ घूमने के लिए। हम कर रहे हैं चंडीगढ़ की सैर। दिखाओ चाचू पीछे, एंजॉय कर रहे हैं राइड का जो कि स्पेशल बनी हुई है। साथ में चाट के चस्के से लिए चाट। हेलो एवरीवन। हाँ जी, हेलो एवरीवन। चंडीगढ़ की सैर की शुरुआत चाट, चाट, चाट लेते हुए और साथ में हमारे 17 सेक्टर की ये राइड ले रहे हैं जो यहाँ पर 17 सेक्टर में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल है, लेकिन वैसे सभी इस पर एंजॉय करते हैं। एंड हम इस गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं 17 से 16 सेक्टर के सबवे की तरफ। ये खास लोग चाचू के लिए ही है ताकि वो अपनी मेमोरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। चाचू, अब सर्दी चली गई ना तो यहाँ पर अब थोड़ा मौसम खुल गया तो सभी देखो कितना मजा ले रहे हैं। कोई बैठे हैं, कोई धूप का मजा ले रहा है, कोई वॉक कर रहा है। और यहाँ फाउंटेन चलता है चाचू, देख लो, शाम को बड़ा मजा आता है यहाँ पर। हाँ जी, चाचू को घूमना फिरना बहुत पसंद है, इवन हमारी पूरी फैमिली को ही बहुत अच्छा लगता है। मम्मी देखेगी वो जो क्या परवीन पूजा सभी देखेगी। चाचू चंडीगढ़ में और चाट का मजा ले रही है। देखिए जी, हमने अपनी चाट फिनिश कर ली है और हम घूम रहे हैं 17 सेक्टर। फ्रेंड्स, लीजिए पहुंच गए हैं हम सबवे की तरफ और अब थोड़ा सा रोज गार्डन घूमेंगे। लीजिए, हम गाड़ी से उतर गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, चाचू के साथ मैं आई हूँ 17 सेक्टर के सबवे पर। ये है जी रोज गार्डन। तो 17 सेक्टर के यहाँ से 16 सेक्टर में हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। रोज गार्डन ऑफ चंडीगढ़। रोज गार्डन चंडीगढ़, यस। यहाँ पे चाचू होता है शाम को सिंगिंग, यहाँ पर सेटअप लगता है, बच्चे कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ आप स्टेयर से आ सकते हो वरना रैम से आ जाओ, यहाँ बहुत मजा आता है शाम को। तो यहाँ पर ना पूरी मीट गैदरिंग होती है बहुत ज्यादा। अब हम पता है कहाँ खड़े हैं, अभी हम 2 मिनट पहले 17 सेक्टर में थे और अब हम 16 सेक्टर में आगे। वैसे देखो लिखा हुआ है सेक्टर 17 है ना, ये देखो। लेकिन अभी हम 2 मिनट में होंगे रोज गार्डन जो कि 16 सेक्टर में है। ये देखो वो रोज गार्डन है, ये 17 सेक्टर है। यहाँ जितना यहाँ जबरदस्ती चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि और तो कुछ रोज नहीं। गार्डन दिखाने के लिए वॉक के अलावा ये साइकिलिंग कर सकते हो आप। और उसके बाद ग्रीनरी देखकर चाचू बहुत खुशी हुई। हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस पर गए। देखिए मैं आई हूँ चाचू को लेकर रोज गार्डन। ये है 16 सेक्टर का रोज गार्डन। दिखाओ, देखो आपकी फोटो खींचे, कितने सुंदर है ना चाचू। रोज चाचू को पूरा रोज गार्डन में वॉक करते हुए बहुत मजा आ रहा था। देखिए जी, चाचू आए हुए हैं ये 17 सेक्टर के सबवे में और अब हम जा रहे हैं रोज गार्डन। आए चाचू, आपकी फोटो खींचो। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी साथ में हो तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। हाँ सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा आ गया। तो बिल्कुल जो इसकी ग्रीनरी देखने लायक है, बिल्कुल चंडीगढ़ देखने लायक शहर है, बहुत बढ़िया। और मस्त म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक स्लो स्लो म्यूजिक है, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट, लोग धूपकांद ले रहे हैं। वॉक करते करते हमने काफी फोटो शूट भी किया, मैंने चाचू की और बच्चों के साथ भी फोटो क्लिक की और उसके बाद हम आगे वापस उसी जगह जहाँ से हमने स्टार्ट की थी अपनी राइड। आगे हैं जी हम अपने चाट भंडार पर जहाँ से हमने चाट खाई है। थैंक यू सर। मैं चाचू खुश हो गए हैं आपकी राइड से, काफी देर से यहीं पर थे। ओके सर, थैंक यू सो मच। रोज गार्डन दिखाने के बाद मैं पहुंची चाचू को लेकर सुखना लेक और वहां पर मैंने देखा कि होप ऑन होप ऑफ बस आई हुई थी। इसकी एक राइड मैंने चाचू को दिलाई। उसके बाद हम आ गए रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में बहुत थक जाते तो हम चले गए चंडीगढ़ के बर्ड पार्क। फ्रेंड्स, इस प्रकार से चाचू ने आज चंडीगढ़ का पूरा विजिट लिया। ये है चाचू के से छोटे बेटे जिनका नाम है विपिन भैया। आज इनकी वाइफ का है बर्थडे जो कि है पायल भाभी।
तो हैप्पी बर्थडे टू पायल भाभी। अब हम करेंगे पायल भाभी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग। चंडीगढ़ में लगा हुआ है कार्निवल, हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब आ गए हम कार्निवल में और यहाँ की हमने पायल भाभी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग, साथ में मैंने अपनी भी थोड़ी सी शॉपिंग की। देखिए जी, चाचू ने अपनी बहू के लिए कुछ खरीदा है। चाचू ने देखिए दो तीन कलर थे और लेकिन चूज जो सा हुआ है हमने पिंक कलर का बड़ा प्यारा दुपट्टा चूज किया है, दिखाती हूँ मैं ये। और साथ में हमने लिया है उनके लिए पंजेबे, ये जी पंजेब दिखाना भैया, खोल के खोलो जल्दी से। और साथ में नज़र बट्टू लिया है, ये देखिए जी पंजेब कितनी प्यारी है। और साथ में लिया है हमने नज़र बट्टू। तो ये शॉपिंग की है हमने और बहू के लिए, भाई साहब से लिए। हाँ जी इनसे लिए, आइए जी आप भी इनसे ले लीजिए। कैसा फ्रेंड्स, पूरा दिन घूमने के बाद हमने फाइनली अब शॉपिंग की। अब ये शॉपिंग चल रही है मेरी, जो मैंने ली है एक जुत्ती और साथ में ये सिंपल फुटवेयर्स लिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेटेस्ट और ट्रेंडिंग हैं, किसी भी चीज़ के साथ चल सकते हैं, लाइक सूट के साथ या साड़ी दोनों के साथ। एनीवे अब थोड़ी सी शॉपिंग कर रही हूँ मैं डेकोर आइटम की, लाइक अपने घर में एक तुलसी का गमला मैंने परचेज किया और छोटे छोटे डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ यहाँ से शॉपिंग की। बहुत ही प्यारी ये कलाकृतियाँ हैं, इतनी प्यारी लग रही थी ना, जी कर रहा था कि पूरी चीज़ें खरीद लूँ मैं। ये देखिए जो ये तो बिल्कुल वो राम वाले लग रहे हैं, जैसे राम की मूर्ति आई है, देख लो राम मंदिर की मूर्ति कि ज्यादा बड़ी मूर्ति स्थापना नहीं कर सकते। यहाँ गणेश की मूर्ति बहुत सुंदर है। अरे यार एक शॉर्ट्स तो देखने लायक है, ये लगा हुआ है आज सुंदर है नन्नू, एच फेस्टिवल यानी कि रूरल अर्बन हेरिटेज फेस्टिवल है ये, 17 सेक्टर चंडीगढ़ में लगा हुआ है। आप मेरे लाइव वीडियो में भी देख सकते हो, मैंने लास्ट 3 or 4 डेज की लाइव वीडियो भी बनाई है इस फेस्टिवल की। तो ये पूरा जो है कार्निवल ये मैंने चाचू को भी दिखाया है और उनके साथ एक फैमिली और आई हुई थी, उनके साथ भी हमने यहाँ पर भांगड़ा और सूफी संगीत को एंजॉय किया और साथ में फीस ली यहाँ पर। तो चाचू के साथ हमने चिल्ला टेस्ट किया और आम लड्डू खाए और एक डोसा ट्राई किया चाचू के साथ, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर कार्निवल में घूमकर। ये देखिए गिद्दा पा रही हैं गर्ल्स और भांगड़ा भी बहुत ही अच्छा था और भांगड़े के साथ जो परफॉर्मेंस हुई चाचू की, मैंने शॉर्ट रील्स भी बनाई हैं, आप मेरी शॉर्ट रील भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से 17 सेक्टर जहाँ पर RUHF यानी कि रूरल अर्बन हेरिटेज फेस्टिवल का। तो यहाँ से हमने कुछ किचन के आइटम्स भी लिए हैं, और ये जैसे कि मैंने ये बार नहीं लिया, चार का ये कितने की है और परचेजिंग की एक सूट ई नेक वाला जो कि ओनली 1000 रुपीज का था। अच्छा लगा, बहुत प्यारा। आई विश कि मैं आज का दिन चाचू के लिए एक मेमोरेबल डे बना मैं सफल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग और चाचू गॉड ब्लेस यू। मुझे लगता है कि आपको आज का दिन यादगार दिन आपके लिए बना होगा। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।